हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ हैं इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर्स निवेदिता बासु। निवेदिता जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं अभी तक तो। अब का मैम, तो सिर्फ आज नहीं बता सकते, कल क्या होगा कुछ पता नहीं। एज ऑफ नाउ सेफ एंड साउंड। यस मैम, डेफिनेटली। एक्चुअली हम सबका ये हाल है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। मैम, इस वक्त टेलीविजन इंडस्ट्री भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले साल भी काफी महीनों तक शूटिंग रुकी रही, इस बार भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से शूटिंग नहीं हो पा रही और कई सारे टेलीविजन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बाहर जाके शूट कर रहे हैं, नॉट इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। सम ऑफ देम आर इन हैदराबाद, इन गोवा, इन गुजरात, इन मध्य प्रदेश, यहाँ जाके शूटिंग चल रही है। मैम, आप क्या फ्यूचर देख रही हैं टेलीविजन इंडस्ट्री का? कितना बुरा असर पड़ा पेंडेमिक का? Somebody was asking me कल ही कि कितना लोगों के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो एज अ चॉइस ही फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी हम टीवी नहीं, ज्यादा ओटीटी कर रहे थे। तो ओटीटी यू कुड टेक अ पॉज। तो हमारी जो शूट हमें जाना था अभी मई में, हम लोग ने उसको पुश कर दिया अगस्त में। बट टेलीविजन अनफॉर्चुनेटली डेली सोप पे चलता है, और उसमें क्या है कि अगर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं आता है तो फिर टेलीविजन सर्वाइव ना करे। तो आई थिंक लास्ट टाइम क्योंकि उन्हें बिल्कुल ही शूटिंग बंद करनी पड़ी थी, तो इस बार थोड़ा सा शायद वो मेंटली प्रिपेयर थे कि वो लोग बाहर जाएंगे। और आई मीन प्रोड्यूसर्स आई थिंक अपना प्रॉफिट कट लेने को भी तैयार है, बिकॉज दे वांट द शो टू गो ऑन। क्योंकि दो ही ऑप्शन दे सकता है आई थिंक चैनल की, या फिर तो शो चलाइए या फिर हम कुछ और चला लेंगे। तो इजी तो नहीं है देखिए पैंडेमिक में करना, बिकॉज इतने एक्टर्स है जो एक्टर्स अफेक्ट हुए हैं कोविड से, और फिर बाद में फैमिली ब्लेम करती है कि वो यहाँ गए वहां पे अनसेफ था। तो आई थिंक ब्लेम करना बाद में इज नॉट वर्थ वाइल, बिकॉज सब अपने चॉइसेस से गए हैं। राइट पीपल हैव टू रन देयर हाउसेस एंड पीपल हैव टू अर्न देयर लिविंग। आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, इकोनॉमी भी काफी अफेक्ट हुई है, जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री अफेक्ट हुआ है। तो इजी तो नहीं रहा है प्रोड्यूसर्स के लिए, बट आई थिंक थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट आने वाला था, मतलब आज शाम को बोला और कल सब लोग निकल चुके थे, तो दे वर दैट वेल प्रिपेयर्ड। तो आई एम श्योर बाहर जाके पूरा स्टोरी लाइन बदलना, तो एवरीवन वर्किंग क्लॉक वर्क, बट मेरे ख्याल 1-2 महीने और वो सस्टेन कर पाएंगे। अगर आप बोलोगे ऐसे 5-6 महीने और चलाना है, तो मेरे ख्याल टफ होगा। 1-2 महीने के बाद इवन प्रोड्यूसर्स के लिए टफ होगा बाहर किसी जगह में रह के चलाते रहना डेली। या एक्चुअली क्योंकि सभी सीरियल्स का जो सेट है वो मुंबई में है, या तो सन सिटी में, अमीरा रोड, नएगांव, मड आइलैंड, और फिर एक नए तरीके से एक नई लोकेशन रेंट पे लेकर, और उसको, और वो भी इतने बड़े क्रू को, एक्टर्स को, प्रोडक्शन के लोगों को लेके जाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई वाज स्पीकिंग टू सम ऑफ द प्रोड्यूसर्स, वो मुझे ये कह रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट जो आप कह रही हैं कि 1-1.5 महीना तो चलेगा ये, बट 5-6 महीने वी कांट अफोर्ड टू डू दैट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इनफैक्ट बहुत लोग गोवा गए तो गोवा बंद हो गया, एमपी बंद हो गया, तो इजी नहीं रहेगा। मतलब कितनी बार लोग शिफ्ट करेंगे, बहुत सारे लोग शायद इंटीरियर में भी चले गए हैं, सिलवासा, दमन वगैरह, बट ये कितना आप कर पाओगे जंप? अभी क्या है कि सोल्यूशन एक है वैक्सीनेशन और दूसरा है बंद। आज बॉम्बे अगर रिकवर करा है तो बंद से ही रिकवर करा है। मतलब बॉम्बे इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिकवरिंग सिटीज एंड महाराष्ट्र इज ऑल्सो डूइंग वेल, बट बॉम्बे इतनी जल्दी खुलेगा नहीं। मतलब अगर हम ये सोच रहे कि कल को सारा मार्केट और शूटिंग खुल जाएगा अगले 10-15 दिन में, वो होने नहीं वाला, क्योंकि पहले जो मिस्टेक करा है वो इस बार तो नहीं करेंगे वापस। तो राइट एक दो महीने करेंगे, उसके बाद आई थिंक एज अ चैनल दे विल प्रॉब्ली वांट टू रिपीट द एपिसोड। अभी क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर टेलीविजन चलाना है, जैसे पहले महाभारत और रामायण अच्छे रेट करे थे, तो शायद इस बार की कहानी की बारी आ जाएगी जो हम लोग ने बनाए थे अपने टाइम पे। अच्छा, एक चीज मुझे आप और बताइए, इतना इलस्ट्रियस करियर, इतने साल हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि जब मैं आई थिंक क्योंकि कहानी देखा करता था, दैट टाइम आई वाज सो स्मॉल, माय मदर वाज अ ह्यूज फैन। मैम, तब से लेकर आज तक, फ्रॉम बीइंग अ क्रिएटिव डायरेक्टर और मे बी राइटर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर से लेकर आज आप खुद का प्रोडक्शन हाउस आपने स्टार्ट कर दिया है और आप बहुत खूबसूरत शोज बना रही हैं फॉर टेलीविजन एंड ओटीटी, कैसा रहा ये पूरा सफर? एक्चुअली टेलीविजन सोप्स हैपेंड बाय चांस। मैंने एक्चुअली पढ़ाई करी थी डायरेक्शन में, और मैं डायरेक्टर ही थी चैनल वी में, बट बालाजी हैपेंड एंड ऑब्वियसली वी नो 15 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल करियर एट बालाजी। तो
तो अभी मैं एक्चुअली वापस प्रोडक्शन से ज्यादा डायरेक्शन में शिफ्ट कर गई हूँ, क्योंकि उसमें मेरा ज्यादा पैशन है. यू नो व्हेन यू सी डायरेक्टर्स लाइक हंसल मेहता, जब वो स्कैम बनाते हैं, तो आपका वो पैशन वापस जाग जाता है कि यार मतलब द गाय वाज एक्चुअली क्रिएटिंग इन दिस सेन. अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन को वो चांस कम मिलता है, यू नो, बिकॉज डेली सोप में टाइम ही नहीं मिलता डायरेक्टर को क्रिएट करने का. एक प्रोड्यूसर एक चैनल अप्रूव करके देते हैं, उनको स्क्रिप्ट मिलती है, तो मतलब लिटरली वो फ्लोर पे पढ़ के कर रहे होते हैं कि अच्छा ये सीन करना है, हो चलो यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे पानी में इनको डुबा दो. तो वहां पे इतना कट्टू कट हो गया, तो टेलीविजन ने वो गिव मी दैट चांस और इवन दैट पैशन की मैं करूँ डायरेक्शन परस्यू. आज इतने सालों बाद जब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने अपना पहला वेब सीरीज डायरेक्ट करा एकदम करके, और अभी मैं एक दूसरा कुछ कर रही हूँ डायरेक्शन, तो वापस वो क्रिएटिविटी इज मतलब कमिंग आउट इन अ डिफरेंट सेंस, यू नो. सो ऑलवेज यू नीड टू कीप रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ. यूजली कंटेंट में हम लोग रीइन्वेंट करते हैं, मैं एज अ करियर रीइन्वेंट कर रही हूँ अपने डायरेक्शन करियर. मैम, आपकी आपकी और एकता की जो जोड़ी थी, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और मैंने ये देखा कि अराउंड ऑल द के शोज, मतलब वो के शोज का एक पूरा दौर था, करीब 10-15 साल तक वो दौर चला जिसमें आपने के शोज की भरमार लगा दी हर चैनल पे। उस समय तो शायद दो ही बड़े चैनल्स थे, नहीं तीन एक्चुअली, स्टार प्लस, जी और सोनी, और हर चैनल पे आपका एक के शो आया करता था जिसकी क्रिएटिव डायरेक्टर आप हुआ करती थी। और इतनी लंबी लिस्ट है वो के शोज की कि मैं पढ़ते पढ़ते थक गया कि ये कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया मैम। मतलब इतनी इतनी सोच और इतने सारे शोज को आपने हैंडल कैसे किया एक साथ? I've been lucky enough कि actually के मेरे साथ ही शुरू हुआ और मेरे छोड़ने के बाद ही खत्म हुआ, क्योंकि अब राइट ज्यादा के बालाजी में नहीं आई, तो they do all other alphabet, T, B, जो भी उनके अलग alphabet है. तो yes, in fact उस टाइम पे हम लोग को बालाजी में फैक्ट्री कहा जाता था, you know, जैसे फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन होता है हम लोग वैसे करते थे. और आई थिंक यंगर थे मैं और एक और वी वर यंगर, तो हमें कभी काम का प्रेशर फील नहीं हुआ, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना. अभी तो खैर नहीं लॉकडाउन में, बट मैं बहुत सुनती थी यंगस्टर्स को बोलने का कि यू नो प्रेशर आ रहा है, वी कांट टेक द प्रेशर. तो ये सब वर्ड्स तो हम लोग ने कभी शायद हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करे होंगे, बिकॉज एट अ टाइम आई थिंक हम लोग बालाजी में एट अ टाइम हिंदी में एक टाइम पे 16 बना रहे थे, तो आई थिंक 9-10 एकता कर रही थी और 6-7 टोटली मैं कर रही थी, यू नो लाइक फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टिल डिलीवरेंस. तो काफी अच्छा रहा, बिकॉज हम लोग ने इतने ट्रेन करे हमारे अंडर लोग जो आजकल चैनल के हेड्स हैं, ओटीटी के हेड हैं. तो आई फील ऑब्वियसली प्राउड, बिकॉज योर सक्सेस ऑलवेज मेजर्ड बाय हाउ मेनी सक्सेसफुल पीपल यू हैव क्रिएटेड, यू नो. तो एकता की कंपनी में ये बहुत अच्छा था कि शी गेव अ चांस टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू ट्रेन देम. तो मुझे लोग बोलते ना कि आप कहाँ बचे, तो मेरे को लोग एक्चुअली कहते हैं कि आई एम अ किंग मेकर, यू नो. किंग नहीं बने तो क्या हुआ, किंग मेकर तो बन गए, कि जिसको आप टच करते हो कि वो कुछ बन जाते हैं ना, वेदर इट इज विकास, वेदर इट इज देविका, हु एवर. आई मीन टुडे इन एवरी चैनल और प्लेटफॉर्म देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज ऑल बालाजी एसोसिएट्स, यू नो. तो हम लोग घुसते थे तो यहाँ से हाय हाय करके, मतलब ऐसा था कि उनको पता था हम क्या बनाते हैं, तो देयर वाज नो क्रिएटिव इंटरफेरेंस ऑल्सो फ्रॉम द चैनल, बिकॉज वो यहीं से निकल के चैनल में जाते थे और उन्हें पता था हम लोग कैसा सोचते हैं, हम क्या बनाएंगे. तो बहुत जल्दी चीजें मूव कर जाती थी, ऑब्वियसली बट टाइम थिंग्स चेंज. आई एम श्योर अभी अलग है, क्योंकि अभी इतने प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, राजन शाही इतना अच्छा कर रहे हैं, रश्मि अच्छा कर रही है, सो मेनी प्रोडक्शन है, सिंगल प्रोडक्शन पीपल आर डूइंग वेल, छोटी सरदानी, यू नो लाइक बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं प्रोडक्शन. तो ऑब्वियसली अब मोनोपोली बदल गई, अब चीजें बदल गई हैं, बट आई थिंक दैट्स ऑल अ वे ऑफ लाइफ, यू हैव टू लेट अदर्स कम इन एंड रीइन्वेंट द व्हील. मैम, अब आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है हाउस ऑफ ओरिजिनल्स, आपका ज्यादा फोकस एज अ प्रोड्यूसर टेलीविजन शोज पे है या फिर अब आप ओटीटी की तरफ जाना चाहेंगे? एक्चुअली मैं अभी तो पिछले 2 साल से 12 सिर्फ ओटीटी ही कर रही हूँ, और अभी आई मीन गॉड हैज बीन काइंड कि ओटीटी में है हमारा, मतलब प्रोडक्शन में चल रही है थोड़े से कंटेंट. जैसा कि मैंने आपको कहा, डेली में क्या होता है कि आप ना सिर्फ एक टीम हायर करके नहीं बना सकते टीवी शो, मतलब यहाँ पे फुली एंट्रेंच्ड इन इट. तो प्रोबेबली इतने साल मैं इतना इमर्स थी कि अब मुझे लगता है कि आई जस्ट नीड टू स्टेप बैक अ लिटिल, सी प्रोबेबली ओटीटी, क्योंकि अभी काम है, तो ऐसा नहीं है कि टीवी नहीं करना. आई एम नॉट सेइंग नो टू टीवी, बट लाइक आई सेड कि अभी कमिटमेंट यहाँ पे है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डायरेक्टिंग दीज, सो आई वुड से कि अभी टीवी इज नॉट हैपनिंग फॉर अनदर ईयर और टू.
and I'm quite happy with the OTT space. And probably 2 years later, I might come with a different content on TV. TV might have reinvented, but TV का रीइन्वेंट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ टीवी ऑडियंस मोर और लेस सेम ही देखना चाहती है, यू नो, तो यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ रीपैकेज द होल कंटेंट इन अ डिफरेंट वे. बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज होता है टेलीविजन में, यू नो, ओटीटी में 180 डिग्री चेंज होता है. अगर आज आप एक शो बनाते हो से दिल्ली क्राइम, तो आप बिल्कुल एक ऑपोजिट शो स्कैम भी बना सकते हो, बट टेलीविजन में द चेंज इज लाइक 5-5%. आज आप कुछ बनाते हो तो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट आप कुछ नहीं बना सकते. आप स्कैम टीवी के लिए नहीं बना सकते, आप क्योंकि में 5% प्रोग्रेसिव होके थोड़ा और बना सकते हो. और ऐसे ही शायद टेलीविजन बड़ा है, यू नो, लाइक राजन हैज डन वेरी प्रोग्रेसिव शोज एंड नाइस शोज, बट ही हैज केप्ट हिज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेलीविजन ऑडियंस सेम, यू नो, अनुपमा में और इसमें. देर इज नो विलन एट ऑल, उनके किसी शो में कभी विलन नहीं होता है, कोई किडनैप नहीं होता है वहां पे पैसेज ग्रेट ग्रेट सर्जरी भी नहीं कैरेक्टर, होती है, पुनर्जन्म भी नहीं होता बिल्कुल वो सब हम करके हट गए हैं. ओके, डन एंड डस्टेड नाउ। अच्छा मैम एक चीज मुझे और बताइए, आपने एज अ प्रोड्यूसर जो भी शोज बनाए वो भी बहुत अनकन्वेंशनल रहे हैं। वन ऑफ द शोज विच यू प्रोड्यूस वॉज मेरी आवाज ही पहचान है। मतलब नॉर्मली उस जमाने में आज से करीब 5-6 साल पहले लोग ये सोचते थे कि केवल सास बहू ड्रामाज ही वर्क करेंगे और सास बहू ड्रामाज ही बनाने चाहिए टेलीविजन पे। यू टुक अ रिस्क एंड यू प्रोड्यूस द शो मेरी आवाज ही पहचाने, बहुत ही डिफरेंट कहानी थी। आई हैव बीन टू द सेट्स आल्सो। मैम उस शो में कितना रिस्क था? उसमें ना एक्चुअली हम लोग कॉन्शियसली गए थे उसमें. आई मीन कमिंग फ्रॉम अ डेली सोप मार्केट, मुझे पता था कि ऑडियंस को क्या देखना है. बट अगर आज आपको एक चैनल बोलता है कि हम वो रिस्क लेने को तैयार है, हमें कुछ डिफरेंट बनाना है, तो व्हाट बेटर देन अ लता आशा बायोपिक. एंड आई मीन दैट वाज डिफरेंट इन एवरी सेंस. आई एम सो प्राउड, इनफैक्ट आई डेब्यूड एज अ प्रोड्यूसर विद मेरी आवाज ही पहचान है. एंड सुपर, मतलब कास्ट से लेके एग्जीक्यूशन से इट्स लाइक अ फिल्म. मतलब उसकी जो राइटर थी भवानी अय्यर, जिन्होंने ब्लैक लिखा है, राजी लिखा है, मतलब मुझे याद है संजय लीला बंसाली से लेके सूरज बड़जात्या ने फोन उठा के करा कि यार कितना अच्छा शो है. सो आई थिंक समथिंग यू जस्ट डू फॉर अ मैटर ऑफ प्राइड एंड यू नो फॉर योर ओन हाई कि यू क्रिएटेड समथिंग. वो फाइनाइट सीरीज था 100 एपिसोड का, तो वी डिडंट एक्सीड मोर देन दैट, बिकॉज एक फाइनाइट कहानी अगर किसी की बायोपिक है यू कांट रियली कीप एक्सटेंडिंग इट. तो यस, आई इट प्रॉब्ली डिडंट गेट द नंबर्स विद द चैनल वांटेड. एंड इवन दो चैनल स्टार्ट विद दैट इंटेंशन, यू नो, कि हमें डिफरेंट करना है, रेटिंग आए ना आए, आई थिंक इवेंचुअली दे कम डाउन टू द प्रेशर कि यू नो रेटिंग चाहिए. तो वहां पे वो एंड बट लकीली उन्होंने हमें इतना ड्रास्टिकली कुछ अलग करने के लिए बोला नहीं, बिकॉज वी वर एट द फैग एंड ऑफ द स्टोरी. सो वी डिसाइडेड टू कॉर्डली वाइंड इट ऑफ. एंड पोस्ट दैट ऑफ कोर्स आई डिड अ कमर्शियल शो एक विवाह ऐसा भी जो जो मैं बनाती आई थी, व्हिच डिड ऑब्वियसली गुड नंबर्स एंड got the numbers back for the channel on that slot. मैम लास्टली आप अपने सभी फैंस को, वो सारे के फैंस और आज के जो आपके फैंस हैं, वो सारा जो कंबाइंड फैंडम है निवेदिता बासु का, उनको आप क्या कहेंगी? अब जो कंटेंट आप लेकर आ रही हैं, कैसे आप प्रेजेंट करने वाली हैं ऑडियंसेस के सामने फॉर देयर एंटरटेनमेंट, व्हाट एवर मैसेज यू वांट टू गिव टू देम मैम, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली पहले जो मैंने के सीरियल बनाया, क्वाइट अ कंट्रास्ट व्हाट आई एम डूइंग नाउ. In fact, now I'm doing more dark murder mysteries and real life biopics. So I think वही लोग देखना चाहते हैं. Nobody wants to see the same thing over and over again. उन्होंने वो देख लिया, उन्होंने admire कर लिया है, उन्होंने वो appreciate कर लिया है. तो हमेशा expectation वही होती है कि आगे क्या. So I think वही है कि there is a surprise coming from Nivedita. You know, you would see her doing all the saas movie, you would think probably she can't do the dark stuff and she can't do the real life drama and thrillers and murder mysteries, but probably OTT space has got more edge and you can do stuff out of the box. So वही करने की कोशिश है. एंड ऑब्वियसली वी वुड वॉन्ट द ऑडियंस टू एडमायर एंड अप्रिशिएट व्हाट वी आर मेकिंग. एंड रिव्यूज आर ऑल्सो ऑलवेज वेलकम, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि जो हम हमेशा बना रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट out there audience has their own opinion of what it is, and we'll always try to improvise because that's what we did even in television. उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया होता नहीं था, हमारे लिए तो लाइव ऑडियंस होती थी. हम बालाजी के गेट में घुसते थे, वहीं पे 100 लोग मिल जाते थे, मैम ये, मैम वो, मैम ये, तो सब लेकर मैं आती थी अपनी मीटिंग में और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चेंज कर देती थी मैं. बहुत ऐसा होता था, मतलब हम लोग बहुत बदलते थे लोगों के ओपिनियंस के साथ भी.
Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. It was great, great pleasure talking to you. And please stay safe. And सभी audiences को, fans को आप जबरदस्त content देते रहिए, जैसे आज आप आज तक आप देते आए हैं. Thank you so much for talking to us, ma'am.